हे गाइस, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग बैक। कैसे हैं आप बच्चे लोग सारे? मेरा नाम है सुनील अधिकारी। चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। आज का वीडियो अगेन बच्चा लोगों को बहुत ही ज्यादा स्पेशल होने वाला है। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं बीएमएस के टॉप मोस्ट इंडिया के कौन कौन से वो कॉलेजेस हैं जिनमें आप 12th के बाद एडमिशन ले सकते हैं। देखिए, मेरे पिछले 2 से 3 वीडियो बीएमएस के ऊपर थे, जहां पर मैंने A to Z पूरी डिटेल आपको देने की कोशिश करी है, जहां पर बीएमएस की कोर्स डिटेल हमने कवर करी थी। हमने सिलेबस कवर करा था, हमने कैरियर ऑप्शंस कवर करे थे। आज के वीडियो में मैं बताने वाला हूं आप बच्चों को कि वो इंडिया के कौन कौन से ऐसे कॉलेजेस हैं जहां पर आप एडमिशन ले सकते हो। देखिए, एक तो रेपुटेशन बहुत अच्छी है। फी का स्ट्रक्चर मैंने स्पेशली फोकस करा है कि जो फीस है, एवरेज फीस है, वो बाकी कॉलेजेस से कम हो, ताकि आप कम फीस में अपना बीएमएस को कंप्लीट कर पाओ। प्लेसमेंट रिकॉर्ड भी अच्छा है, रेपुटेशन जैसे मैंने बताया आपको अच्छी है, प्लस इसकी जो रिकॉग्निशन है, इसकी जो प्रेस्टीज है वो भी काफ़ी अच्छी है। क्योंकि जब आप जॉब मार्केट में एंट्री लोगे, सो इन कॉलेजेस के नाम काफ़ी जाने माने हैं, तो आपको जॉब करने में भी या जॉब पाने में भी बहुत इजी होने वाला है, राइट? सो बिना कोई टाइम वेस्ट करते हुए सीधा करते हैं हम टॉप 10 बीएमएस कॉलेजेस इन इंडिया को डिस्कस करना। सबसे पहला है बच्चों शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज, ये हमारा न्यू दिल्ली में। देखिए, न्यू दिल्ली में दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंडर में बहुत अच्छे कॉलेजेस हैं जो बीएमएस कराते हैं। उसके लिए एंट्रेंस भी होता है। देखिए, एंट्रेंस भी है, DU JET एंट्रेंस आपको देना पड़ेगा अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंडर में अच्छे कॉलेजेस से बीएमएस कोर्स को करना चाहते हैं। यहां तक क्लियर हो रहा है? शहीद सुखदेव वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टीजियस, वन ऑफ द मोस्ट रेपुटेटेड, और काफी कम फीस में आपका बीएमएस कोर्स को कंप्लीट कर लेता है। जैसे मैंने बताया था आपको, बीबीए के कंपैरिजन में बीएमएस काफी कम फीस में आपका कंप्लीट हो जाता है। सो अगर आपने डिसाइड कर लिया है बीएमएस को करने का, सो आप इन कॉलेजेस को टारगेट कर सकते हैं। फीस काफ़ी हद तक कम है। स्पेशली मैंने उन कॉलेजेस को यहाँ पर सेलेक्ट करा है जो फीस जो है काफ़ी कम चार्ज कर रहे हैं और उनके रेपुटेशन और प्लेसमेंट भी अच्छा खासा है, राइट? सेकेंड है HR कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स मुंबई। इसमें से कई है डायरेक्ट एडमिशन देते हैं, कई कॉलेजेस ऐसे हैं जो कि एंट्रेंस भी लेते हैं। करना क्या है, सब कॉलेज की अपनी खुद की वेबसाइट है, वेबसाइट पे जाइए, वहाँ पर प्रोग्राम्स होंगे, प्रोग्राम्स में बीएमएस जब आप क्लिक करेंगे, सो वहाँ पर आपको डायरेक्टली पता लग जाएगा कि ये खुद का एंट्रेंस लेते हैं या फिर ये डायरेक्ट एडमिशन के बेसिस पे आपको मतलब एंट्री देते हैं। वहीं पर फीस भी लिखी रहती है, कॉन्टैक्ट नंबर भी लिखा रहता है, चाहे आप कॉन्टैक्ट कर कॉलेजेस को भी पता कर सकते हैं या फिर डायरेक्टली अगर आप उसी शहर में रहते हैं तो आप कॉलेज पर भी विजिट कर सकते हैं। यहाँ तक क्लियर हो रहा है? चलिए, शिवनादा यूनिवर्सिटी हमारी ग्रेटर नोएडा में, आप यहां पर भी एडमिशन ले सकते हो। ये डायरेक्ट एडमिशन आपको देती है, आप अपनी 12th के परसेंटेज के बेसिस पर यहां पर एडमिशन ले सकते हैं, राइट? आगे है सेंट जेवियर कॉलेज है हमारा कोलकाता का। सेंट जेवियर की जितनी भी ब्रांचेस हैं मैंने नोटिस करा है बीएमएस के कोर्सेज में काफ़ी अच्छी रेपुटेशन है, चाहे वो कोलकाता हो, चाहे वो मुंबई हो, चाहे वो रांची हो, आप सेंट जेवियर में ट्रस्ट कर सकते हैं बीएमएस कोर्स के लिए, राइट? आगे है केजी सौम्या कॉलेज ऑफ साइंस एंड कॉमर्स मुंबई में, आप इस कॉलेज में भी एडमिशन ले सकते हो। ये भी हमारा बीएमएस कराता है, ठीक ठाक इसकी एवरेज कोर्स की फी है, प्लेसमेंट ठीक ठाक है, और यहां पर आपको सेमेस्टर सिस्टम मिलता है, राइट? और स्पेशलाइजेशन भी काफी अच्छी है इन कॉलेजेस की। देखिए, बीएमएस में बहुत सारे कॉलेजेस अलग अलग स्पेशलाइजेशन ऑफर करते हैं, तो आपको जिस भी स्पेशलाइजेशन में अपना बीएमएस करना है उसके अकॉर्डिंग आप अपना कॉलेज को सेलेक्ट कर सकते हैं। आगे है मीठीबाई कॉलेज हमारा मुंबई में है। 7th है सेंट जेवियर कॉलेज हमारा मुंबई में, जिसे यहाँ पर कोलकाता में था, सेम ब्रांच हमारी मुंबई में है। केशव महाविद्यालय हमारा न्यू दिल्ली में है। दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज हमारा न्यू दिल्ली में है और जय हिंद कॉलेज हमारा मुंबई में, राइट? देखिए, बहुत सारे यहाँ पर जो कॉलेजेस हैं दिल्ली और मुंबई में, क्यों है? क्योंकि बहुत सारे कॉलेजेस दिल्ली, मुंबई हो गया, पुणे हो गया, बेंगलोर हो गया, कोलकाता हो गया, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर बीएमएस को ज़्यादा तवज्जो या इम्पोर्टेंस दी जाती है इंस्टेड ऑफ बीबीए। आई रिपीट, कई कॉलेजेस ने तो अपना बीबीए प्रोग्राम का नाम चेंज कर बीएमएस कर दिया है या बीबीए को हटाकर बीएमएस कोर्सेज को ऑफर करना स्टार्ट कर दिया है, स्पेशली टायर फर्स्ट सिटीज में, राइट? सो आपको कई कई जगह क्या होता है,
दिल्ली में, मुंबई में, पुणे में, कोलकाता में, बेंगलोर में बहुत सारे कॉलेजेस BBA नहीं ऑफर कर रहे होंगे, आपको BMS ही ऑफर कर रहे होंगे, सो आप वहाँ से BMS भी अपना कंप्लीट कर सकते हैं। जैसे मैंने डिफरेंस बताया था, BMS वर्सेस BBA वाला वीडियो देखा था मेरा, नहीं देखा तो सर्च कर लेना BMS वर्सेस BBA बाय सुनील अधिकारी, मैंने आपको डिफरेंसेस बताए थे। तो कोर्सेज में ऑलमोस्ट सिमिलरिटी है, जॉब ऑप्शंस ऑलमोस्ट सिमिलर है, सो आप अच्छा कॉलेज अगर आपको मिलता है, आप BBA कर रहे हैं या फिर BMS कर रहे हैं, मैटर इतना नहीं करता है। फर्स्ट लुकआउट फॉर अ गुड कॉलेज, अगर गुड कॉलेज मिल रहा है आपको, सो आप वहाँ पर BBA करते हैं, BBS करते हैं या फिर BMS करते हैं, इतना मैटर नहीं करता। वहाँ का आपको एनवायरमेंट मैटर करता है, वहाँ का प्लेसमेंट स्ट्रक्चर मैटर करता है, फैकल्टी मैटर करती है, राइट? तो ये सारी चीज़ें ज़्यादा मैटर करती है इंस्टेड ऑफ कि आप BBA कर रहे हैं, BMS कर रहे हैं या फिर BBS कर रहे हैं, राइट? सो उम्मीद कर रहा हूँ बच्चा लोगों, टॉप 10 कॉलेजेस BMS कोर्स को जो ऑफर करते हैं उनके बारे में आपको नॉलेज मिल गई होगी। देखिए टॉप 10 में मेरे अकॉर्डिंग ये है, वैसे बहुत सारे 100+ ऐसे कॉलेजेस हैं इंडिया में जो कि BMS को ऑफर करते हैं, लेकिन सोच समझ कर एडमिशन लीजिएगा, क्योंकि आप इतने पैसे अगर इन्वेस्ट कर रहे हो, सो मेक श्योर करिए राइट रिसर्च कर, वेबसाइट चेक करना कंपलसरी है आपके, अगर शहर में है, अगर पास भी है, शहर से ज़्यादा दूर नहीं है, तो प्लीज़ जाकर विजिट करिए, एनवायरमेंट देखिए, जो एक्स स्टूडेंट है, एलुमनी नेटवर्क है उनका, वहाँ पर पता करिए, बात करिए बच्चों से, क्योंकि एक्चुअल में एग्जैक्टली वही आपको फीडबैक दे पाएंगे कि उन्होंने स्टडी करी है, कर रहे हैं, कि वहाँ का एनवायरमेंट कैसा है, प्लेसमेंट कैसा है। सो आप ऑनलाइन फॉर्म्स वगैरह, क्वेरा वगैरह में से, क्वेरा एक वेबसाइट है जहाँ से आप क्वेश्चन पुट अप करके आपको वहाँ से जवाब मिलते हैं, वहाँ से भी आप आंसर को सर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं। सो उम्मीद कर रहा हूँ बच्चों BMS के टॉप मोस्ट कॉलेजेस आपको पता लगे होंगे। वीडियो कैसा लगा प्लीज़ लाइक करके ज़रूर बताइएगा, लाइक करके कैसे बताएंगे, कमेंट करके बताएंगे ना, हूँ तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहते हैं उसका भी कमेंट मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूँ। डिस्क्रिप्शन चेक ऑन करना मत भूलिएगा, बहुत कुछ है खास आपके लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, जब तक पढ़ते रहना है, मेहनत करते रहना है, क्योंकि आपका भी देना है। थैंक यू सो मच।